अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मुड़ास किचन ऑफिशियल। आज आपके लिए मैं बकरा ईद स्पेशल रेसिपी लाई हूँ जो बहुत ही फेमस है अपने कलर और एरोमा को लेकर, एंड वो है वाइट मटन बिरयानी। ये बिरयानी बहुत ही डिलीशियस और माउथ वाटरिंग है जो मैरिनेटेड मटन से बनाई जाती है। आप इसे कोई भी स्पेशल ओकेजन पर ट्राई करें एंड इन्जॉय करें। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस बिरयानी के लिए मैंने 1 kg मटन एंड 1/2 kg बासमती राइस लिया है। फर्स्ट मैरिनेशन के लिए एक मिक्सिंग बोल में 150 ग्राम योगर्ट लेंगे, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, फ्यू मिंट लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, 4 रफली चॉप्ड ग्रीन चिलीज, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब इन सबको मिक्स करेंगे एंड ऐड करेंगे इसमें 1 kg क्लीन्ड एंड वॉश्ड मटन। ये मैंने विद बोन लिया है, आप बोनलेस भी ले सकते हो। अब मटन को भी अच्छे से मिक्स करेंगे इस मैरिनेशन सॉस में। मटन को मिक्स करने के बाद अब इसे मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। अगर आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेट कर सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड। नेक्स्ट 1/2 kg बासमती राइस लिया है, इसे वॉश करेंगे एंड सोक कर रखेंगे फॉर 30 मिनट्स। होल ड्राई स्पाइसेस में 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड्स, 1 बे लीफ, 1 स्मॉल सिनेमम स्टिक, 4 ग्रीन कार्डमम, 1 ब्लैक कार्डमम, 4 क्लव्स, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर कॉर्न एंड ये 12 कैशू नट्स, 6 ग्रीन चिलीज, 1 टेबलस्पून फेनल सीड्स। अब इन तीनों को ब्लेंड कर फाइन पेस्ट बना लेंगे 2 टेबलस्पून वाटर ऐड कर। अब इस पेस्ट को साइड में रख देंगे। अब वाइट मटन बिरयानी के लिए मसाला प्रिपेयर करेंगे। एक बड़े से पैन में 1/2 कप ऑयल को हीट करेंगे एंड होल ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे जो हमने अभी इससे पहले वाली क्लिप में देखा था। इन सारे स्पाइसेस को फ्राई करेंगे फॉर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स बाद इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज चॉप्ड अनियंस। अनियन को सौते करेंगे एंड लाइट गोल्डन होने तक कुक करेंगे। जब अनियन लाइट गोल्डन हो जाए इसमें ऐड करेंगे मैरिनेटेड मटन एंड मटन को अब अच्छे से भून कर लेंगे अनियन के साथ एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स ऑन मीडियम फ्लेम। मटन को अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास वाटर, उसी मैरिनेशन बोल को क्लीन कर एंड एक बार मिक्स करेंगे और फिर कवर कर कुक करेंगे फॉर 15 मिनट्स ऑन लो टू मीडियम फ्लेम। 15 मिनट्स हो गए हैं, लीड ओपन करेंगे। अब एक बार स्टर करेंगे और फिर अब ऐड करेंगे कैश्यू ग्रीन चिलीज एंड फेनल सीड्स का पेस्ट एंड थोड़ा सा वाटर अराउंड 1/2 कप, उसी जार को क्लीन कर एंड सौते करेंगे। नेक्स्ट सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। फिर दोबारा से अब इसे कवर करेंगे एंड कुक करेंगे फॉर 30 मिनट्स बिना पानी ऐड किए। मटन अपना पानी रिलीज करेगा एंड उसी पानी में मटन जो है वो कुक हो जाएगा। बीच बीच में 1-2 बार चेक कर लें मटन को। फ्लेम को यहाँ पर लो टू मीडियम पर रखें। फ्रेंड्स, आप मटन को प्रेशर कुकर में भी कुक कर सकते हो, ये और भी जल्दी रेडी हो जाएगा 4-5 विजल्स में। बट मैं पैन में ही कुक करना प्रीफर करूँगी बिकॉज ऑफ मोर टेस्ट। 30 मिनट्स बाद लीड ओपन करेंगे, एक बार स्टर करेंगे मटन को। यहाँ पर मटन जो है वो सॉफ्ट एंड टेंडर हो गया है। अब इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, थोड़े से फ्रेश मिंट लीव्स, कोरिएंडर लीव्स एंड ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग क्रीम एंड एक बार स्टर करेंगे। मटन को अच्छे से स्टर कर लेने के बाद आप फ्लेम को ऑफ करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर वाइट मटन बिरयानी का मसाला जो है वो रेडी हो गया है। अब इसे साइड में रखेंगे एंड राइस बनाने की तैयारी करेंगे। राइस के लिए यहाँ पर मैंने वाटर बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब इसमें ये कुछ होल ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे जो हर बिरयानी राइस के लिए बेसिक है। 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड्स, 1 बे लीफ, 3 ग्रीन कार्डमम, 3 क्लव्स, 1 स्मॉल सिनेमम स्टिक, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर कॉर्न्स। इन सबको अब वाटर में डाल देंगे एंड साथ ही 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, फ्रेश मिंट लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, 1 स्मॉल लेमन का जूस,
लेमन से राइस खुले खुले कुक होंगे, ना ही स्टिकी बनेंगे। अब जब इसमें बॉयल आ जाए, हाफ के जी सोक्ड बासमती राइस ऐड करेंगे एंड राइस को 70% तक कुक करेंगे। जब राइस 70% डन हो जाए, स्ट्रेन कर कर इसका सारा पानी निकाल लेंगे। आप गैस पर ऐसे कोई तवा या जाली रख दे एंड इस पर मटन मसाला जो रेडी किया था उसका पैन रखेंगे। अब गैस को ऑन नहीं करेंगे, पहले बिरयानी को असेंबल कर ले पूरा एंड फिर फ्लेम को ऑन करेंगे। मटन मसाले पर स्प्रिंकल करेंगे कोरिएंडर लीव्स एंड फिर ये बॉइल्ड राइस, राइस को स्प्रेड कर लेंगे। राइस को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे ये थोड़े से फ्राइड कैश्यू नट्स एंड रेजिन्स। इसे मैंने सेपरेटली फ्राई कर लिया था प्योर घी में। नेक्स्ट थोड़े से मिंट लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, फिर इसके ऊपर पोर करेंगे ये घी। ये वही है जिसमें मैंने कैश्यू नट्स और रेजिन को फ्राई किया था। थोड़े से फ्राइड अनियंस, 2 ग्रीन चिलीज ऐसे स्लिट कर कर ऐड करेंगे। इसमें कलर बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे बिकॉज हमें नेचुरल कलर चाहिए बिरयानी का। अब कवर करेंगे एंड कुक करेंगे फॉर 15 मिनट्स। लेके 5 मिनट्स मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे एंड फिर बचे हुए 10 मिनट्स ऑन लो फ्लेम पर। ध्यान रखें कि लीड अच्छे से टाइट कवर हो, पैन में से स्टीम पास नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे हो तो आप इसे एल्यूमिनियम से अच्छे से रैप कर ले पैन को और फिर इसके बाद इसकी लीड कवर करें। 15 मिनट्स हो गए हैं बिरयानी को दम होते हुए। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे एंड लीड ओपन करेंगे। फ्रेंड्स, सच में बिरयानी में से बहुत अच्छी सी स्मेल निकल कर आ रही है, तो चले अब फटाफट से इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मटन वाइट बिरयानी को मैंने सर्व कर लिया है लच्छेदार सलाद के साथ। आप इसे रायता, कचुंबर या फिर सैलेड के साथ सर्व करें, ये बहुत ही डिलीशियस एंड माउथ वाटरिंग है एंड इसका कलर देखिए बिल्कुल नेचुरल है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें एंड इन्जॉय करें इस डिलीशियस बिरयानी को। अगर आपको ये मटन वाइट बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियोस की अपडेट मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।